So when we talk about the stages of human development and learning, then the stage, second stage, that is called the childhood stage. And childhood stage, when we talk about this stage, then we talk about the phases of this stage. And first of all, we would like to just discuss about the physical characteristics in this stage. So physical characteristics in this stage are very prominent, because now children are just shifting from the toddlerhood and the infancy stage to childhood stage. So this shift is new for the children, and they have to just cope with the new changes that they are encountering with in the physical phase, in the emotional phase, in the social phase. So इसमें अब जो ये जो स्टेज है इसको कुछ थेरेस्ट जो हैं उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें वो कहते हैं जी अर्ली चाइल्डहुड है, और दूसरा वो कहते हैं जी लेट चाइल्डहुड है. अर्ली चाइल्डहुड के लिए उन्होंने जो एज का जो पीरियड है वो 3 से 11 साल कहा है, या 3 से जो है वो 6 साल भी किसी ने कहा है, और इस पूरी जो चाइल्डहुड की फ़ेज़ है वो 3 to 11 है. तो 2 से 3 इंचेस जो है इसमें फिज़िकल जो ग्रोथ होती है वो हर साल इनकी जो कद बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और इसी तरह से इनके वेट में जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है. तो अपेरेंटली जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो इनके हाइट और वेट है, और इसी तरह से जो है उनकी मेंटल ग्रोथ भी साथ साथ हो रही होती है. अब मेंटल ग्रोथ में जब उनकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं जब वो इम्प्रूव होती हैं, तो उनकी जो परसेप्शन है, चीज़ों को परसीव करना, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके साथ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, फिर उसके साथ इंटेलिजेंटली जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रेजोल्यूट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं चाइल्डहुड में आ रही हैं. अब वो थोड़ा सा जो इनोसेंट पीरियड था उनका इन्फेंसी वाला, वो थोड़ा सा मेच्योर स्टेज जो है उनकी चाइल्डहुड में आ रही है. और यहाँ पे जो दो हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया, तो ये कुछ थेरेस्ट कहते हैं जी 3 से 6 साल का पहला पीरियड है, और 6 से 11 साल के जो है वो दूसरा लेट चाइल्डहुड उसको कंसिडर करते हैं. तो इस वक्त जो बच्चे का कद है वो चूँकि बढ़ रहा होता है, और वज़न और उसके साथ साथ उसकी तमाम बोन्स जो हैं और तमाम जो चेंजेस फिज़िकल हैं वो हो रही होती हैं, इस वक्त बच्चे को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी जो हाइट है और उसकी अच्छी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है अच्छी न्यूट्रिशन पे. अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को जो है वो भाग के लपक के पकड़ना चाहते हैं, और दे वॉन्ट टू जस्ट रन एंड दे वॉन्ट टू जस्ट कैच एवरी थिंग एंड टू जस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स इन द एनवायरमेंट. और उसके बाद जो है अब उनकी जो पहले वाले बच्चों वाला जो फेस था वो थोड़ा सा मेच्योर फेस लगना शुरू हो जाता है, और बेबीश लुक जो उनकी होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है. उसके बाद जो इनकी लेट चाइल्डहुड की जो दूसरा स्टेज, जिसको हम कह रहे हैं कि हम इस चाइल्डहुड की स्टेज को दो हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें, तो जो लेट चाइल्डहुड वाला स्टेज है वो 6 to 11 years या 6 to 12 years या 6 to 10 years, मतलब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इस एज को जो है वो डिवाइड किया है. इसमें इसको हम प्री एडोलेसेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस चाइल्डहुड के बाद जो अगली स्टेज है वो एडोलेसेंस की होती है. तो चूँकि बच्चे जो हैं 10 साल में बस बच्चे अपनी न्यूट्रिशन, बेटर न्यूट्रिशन और अपने पेरेंट्स के जीन्स की वजह से वो जल्दी जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनकी हाइट जो है वो बड़ी अच्छी ग्रो हो जाती है. अगर उनके पेरेंट्स में जो है अच्छी हाइट थी तो उनकी हाइट भी उसी तरह से बढ़ती है. फिर बस बच्चे जो हैं वो शार्प ज़्यादा होते हैं, उनकी कॉग्निशन जो है वो भी बड़ी तेज़ी से काम कर रही होती है, तो फिज़िकली भी वो बड़े लगते हैं अपने हम उम्र बच्चों से. और उनकी पीछे जो फैक्टर्स हैं वो वही है, बेटर न्यूट्रिशन और उनके पेरेंटल जीन्स जो हैं, और उसके बाद उनकी जो होम एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें मिलके उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ जो है उसको एक्सेलरेट कर देती हैं. अब जहाँ पे पुअर न्यूट्रिशन होगी, जहाँ पे पेरेंटल जीन्स जो हैं उसमें शॉर्ट हाइटेड थे उसके पेरेंट्स, और इसी तरह से वो हेल्थ इश्यूज़ के साथ बच्चा अगर पैदा हुआ है, तो फिर उसकी जो फ़िज़िकल ग्रोथ है उसमें डिफरेंस होगा. तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, ये जो स्टेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रही होती है, और थोड़ी सी स्लो है इन्फेंसी की नस्बत, लेकिन फिर भी इस वक्त बच्चे की तमाम जो है वो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स जो उसकी बॉडी की हैं वो शुरू हुई हुई होती हैं. और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं बता रही थी कि इसमें जो फ़िज़िकल ग्रोथ है बच्चे की वो वेरी करती है. उसके दो फैक्टर्स तो मैंने बताए हैं कि एक तो उसके पेरेंटल जीन्स हैं, दूसरा उसका
जो बेटर न्यूट्रिशन है। इसके अलावा भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से दो भाई दो बहनें एक जैसे बहन भाई सबकी हाइट और सबकी जो हेल्थ है वो डिफरेंट होगी। तीसरा फैक्टर जो मैं बताना चाह रही थी वो ये थी कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है बच्चा उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन थी उसकी हेल्थ की तो फिर भी उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, फिर भी उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ अपने आवाम अपने बहन भाइयों से और अपने हम उम्र बच्चों से जो है वो डिफरेंट होगी, वो कमज़ोर हेल्थ के साथ जो है वो बढ़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि उसका वेट और उसकी हाइट जो है वो उतनी ही बढ़े उसी रफ्तार से बढ़े और उसी तरह से उतनी ही हो जितने कि उसके हम उम्र साथी या उसके दोस्त या फिर उसके बहन भाइयों की थी। तो ये जो चेंजेस हैं फिज़िकल ग्रोथ में ये नॉर्मल हैं और ये डिपेंड करता है कि बच्चा अपने कौन से एनवायरनमेंट के साथ जो है वो परवान चढ़ रहा है।